गई बम। अच्छा पापा अभी मैं रखती हूँ, ठीक है बाय। तो फिर से बच गई। हे भगवान ये क्या हो रहा है। केशव भी ना कह रहा था सही टाइम आने दो, हम बहुत पैसे कमाएंगे। अरे इसका तो डिलीवरी का टाइम आ गया, पता नहीं अपना टाइम कब आएगा। पूछती हूँ उससे। केशव तेरा आइडिया है कि बिरबल की खिचड़ी पिछले 4 महीने से पकी रही है। ये श्रेया तो यहाँ चमत्कार पे चमत्कार दिखा रही है, तू कब दिखाएगा चमत्कार। इंतजार कविता दीदी, इंतजार। इंतजार भी एक तरीके का चमत्कार ही होता है। थोड़ा और कर लो, सब्र का फल खनखनाती हुई लक्ष्मी होती है, समझे। क्या लेके आया मैं देखो। वाह ये इतनी सारी चीजें लाया हूं ना, ये देखो ये देखो। बेबी के लिए इतने सारे गिफ्ट तो। अरे मैडम ये ट्रेलर है, अभी आगे देखो एक बार से, बाहर तो आने दो। तो ऐसे तो तुम बेबी को स्पॉइल कर दोगे। हाँ पापा लोग यही करते हैं ना, बच्चे को बिगाड़ते हैं और फिर मम्मी जो है वो सुधारती हैं। अरे देखो ये देखो और लेके आया हूँ। भैया ये बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है, मैं सोचा तो था कि कैफे का बिजनेस अच्छा चलेगा और इतना अच्छा चलेगा, ये नहीं सोचा कि जो बेबी है ना मेरा सेकंड लकी चार्म। सेकंड? हाँ अरे पहली तुम हो ना। अच्छा एक मिनट रुको, ये लो ये भी। वैभव ये तो कितने महंगे हैं, बहुत सुंदर है। थैंक यू। You're welcome. श्रेया तुम ना इससे कई ज्यादा डिजर्व करती हो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। श्रेया बेटा। अरे मम्मी जल्दी आ, आराम से। अरे मम्मी ये देखो है तो मेरे लिए साड़ी, ये सेट और बच्चे के लिए इतने सारे टॉयज, इतने सारे कपड़े। मम्मी सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। लक्ष्मी माँ करे वैभव ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। खुश रहो। देखा तुमने रोहित, वैभव कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया श्रेया और उसके होने वाले बच्चे के लिए। उसके कैफे पे भी देखो कभी खाली ही नहीं रहता, और हमारे बुटीक पे मक्खियां तक आके नहीं भटकती। क्या कर रहे हो तुम रोहित, फ्लॉप हो गया हमारा आइडिया बुटीक का। अरे नहीं नहीं माया तुम संभल रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं कुछ अब होगा रोहित, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही महीने बचे बेबी के आने में। मैं तुम्हें बता रही हूं, रतलाम के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर से डिलीवरी चाहिए। तुमसे होगा तो ठीक है ना, मुझे बता दो, इसके लिए भी मैं पापा से ही बात कर लेती हूँ। नहीं माया, माया देखो आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरी दोनों बहुएं स्वस्थ हैं और दोनों बच्चे भी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मां। आप बड़े ही शुभ दिन आई हैं अपनी दोनों बहुओं को मंदिर लेके। क्यों आज कोई खास दिन है? हाँ जी देखिए ना, माता रानी की सवारी है शेर की और दो शेर के बड़े प्यारे बच्चे मिले हैं। नहीं मंदिर के पीछे जो जंगल है ना उसके पास
अवश्य ही माता रानी का कोई शुभ संकेत ही होगा। अरे वाह, लो खबर इधर तक भी पहुंच गई। अरे तू इधर कैसा है? बस एकदम मजे में हूँ, तू ठीक है ना? एकदम। और ये पंडित जी क्या बात कर रहे हैं शेर के बच्चों के बारे में? इधर आ, बताता हूँ। क्या हो गया? अरे मैंने भी कल ही सुना है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दोस्त है ना मेरा, बोल रहा था बहुत शिकारियों की नजर है उन पे। भाई बहुत बड़ी मार्केट है, शेर के एक बच्चा लाखों में बिकता है भाई, लाखों में। क्या? लाखों में भाई, एक एक बच्चा लाखों में। सही है यार, और यहाँ हजारों की कीमत नहीं है। चल लड़की को छेड़ता है। मैं हूँ केशव, मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं आपको छेड़ूं। तेरे बुरे दिन तो मैं लाऊंगी। बड़ा कह रहा था इंतजार करो इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, यहाँ तो फल ही नहीं दिख रहा है। वो श्रेया पेट से है, कभी भी बच्चा जन्म देगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अरे बड़े बड़े सपने दिखाए, पैसा 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 आएगा। अरे पर प्लान तो बताया नहीं। अरे ये तो बताओ क्या प्लान है, कब करेंगे, कैसे करेंगे? आप ना जरा भी सब्र नहीं है आप में। अरे कमाल कर रही है आप, मैं कोई ऐसे नहीं बैठा हूँ फ्री में। पता लगा रहा था कि ऐसा क्या स्पेशल है श्रेया में, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेया स्पेशल नहीं है। श्रेया का होने वाला बच्चा जो है वो है चमत्कारी। हैं? अरे गुरु जी को हम अच्छे से जानते हैं, इतने सालों से जानते हैं, उनके छत्र छाया में पले बड़े। श्रेया से जब से वो मिलके गए हैं कुछ तो उनकी नजर में मैंने अलग देखा है, कुछ तो वो देख पा रहे हैं जो हमारे आसपास है हर वक्त हर पल, जो बस हम ही नहीं देख पा रहे। ऐसा क्या हो सकता है? वही जो अभी तक हुआ नहीं है और होने वाला है, श्रेया का बच्चा। कुछ तो खास बात है उसके बच्चे में। जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया नहीं वो चमत्कार करेगा, बेवकूफ। अरे कविता दी, समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक ये बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है तो ये हालत है, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो क्या कमाल दिखाएगा, सोचिए। अरे जब से ये प्रेग्नेंट हुई है ना तब से ये सब शुरू हुआ है। मतलब चमत्कारी ये बार्बी डॉल नहीं, इसका बच्चा है। मेरे पास उसके लिए भी प्लान है। बताओ। हमें श्रेया को किडनैप करना पड़ेगा। किडनैप? एक बार श्रेया को हम किडनैप कर लेंगे, फिर उसकी डिलीवरी होते ही हम उसे छोड़ देंगे और फिर उसका बच्चा लेके हम फुर। उसके बाद ये बच्चा हमारा हो जाएगा और फिर देखिए कैसे नोटों की गड्डी पे हम सोते हैं। दिमाग केशव। सुनिए, मैं क्या सोच रही थी, दोनों बच्चे आने वाले तो यही समय है गोद भराई करने का। अरे सविता तुम लेट हो गई, तुम्हारा बेटा तुमसे आगे निकल गया तैयारी में। ये देखो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तूने सारी तैयारियां कर लिया अकेले? पूरी तैयारियां, वो भी ऐसे देख रही हैं आप। मम्मी मेरा पहला बेबी है, बहुत एक्साइटेड,
और आपके आशीर्वाद से मेरा कैफे भी कितना अच्छे से चल रहा है। तो मैंने सोचा श्रेया की गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से प्लान करूं। और ये देखिए पालना कैसा लग रहा है। अरे वाह वैभव, तूने खानदानी पालने को बना के एकदम नया जैसा कर दिया है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। सविता एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वैभव को लड़का होगा या लड़की? पापा मेरा तो दिल कहता है छोटी सी प्यारी सी एकदम सुंदर सी बेटी होगी। देखिएगा अरे जिसके आने की खबर से इतना कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी किस्मत चमक गई। अच्छी नहीं लक्ष्मी माँ का रूप। मुझे भी लगता है कि लड़की ही होगी। भाई मैं तो चाहता हूँ कि लड़की ही हो। वो देखो वैभव ने तो जोरों शोरों से खुद भराई की तैयारियां भी शुरू कर दी। तुम क्या कर रहे हो रोहित? रहने ही दो, तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार। मुझे भी क्या दिया तुमने आज तक, लेकिन लगा था कम से कम बेबी की जिम्मेदारियां तो उठाओगे, वो भी नहीं हुआ तुमसे। देखो हमारा छोटा भाई तुमसे आगे निकल गया। माया नहीं, माया मैं इस वैभव से पीछे नहीं रहने वाला। हाँ अरुण अरुण सुन 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 सुन, तू मंदिर में किसी शेर के बच्चों की बात कर रहा था ना, तो मुझे एक बात बता कि ये जो बच्चे हैं उसकी कितनी कीमत आ सकती है? रोहित दिमाग ठीक है तेरा, तो शेर के बच्चे बेचेगा? अरे तूने ही तो कहा था कि माँ गायब है, तो सुनना आराम से बच्चों को उठा लेंगे और जो भी पैसे आएंगे आधे तेरे हाथ आधे मेरे हाथ। उसके लिए हाथ होना चाहिए, और शेर खा गया तो? अरे यार बच्चे हैं, वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तू इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना। देख रोहित भाई ये काम इतना आसान नहीं है, मैं कैसे बताऊं यार तुझे? देख देख कर मुझे ना किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए, उसके लिए अगर मुझे रिस्क उठाना पड़ा तो मैं रिस्क उठाऊंगा, अगर मुझे उसके लिए बच्चे उठाने पड़े ना तो उठाऊंगा मैं। ओके रोहित भैया किसका बच्चा उठाने की बात कर रहे हैं, चल क्या रहा है उनके दिमाग में? वैभव को बताओ क्या? नहीं नहीं वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है दोनों के बीच, और बिगाड़ना नहीं चाहती। रोहित कहीं जा रहा है बेटा? मम्मी हाँ वो मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना, आज गोद भराई और फिर शाम को उसके बाद कीर्तन। तो मुझे क्यों बोल रही हैं आप? मैं क्या करूँ उसमें? श्रेया की गोद भराई तो आप कर लीजिएगा। कैसी बातें कर रहा है, अकेले श्रेया की गोद भराई करूंगी? माया भी मेरी बहू है, दोनों की गोद भराई धूमधाम से करूंगी। मुझे पता है जैसा तूने सोचा था तेरा बुटीक वैसा नहीं चल रहा है, तू तो फिक्र क्यों करता है? हम सब है ना यहाँ पे, हम तेरी मदद करेंगे। माया की गोद भराई में कोई कमी नहीं रखेंगे। मम्मी इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है मुझ पर, ये सारा खर्चा वैभव उठा रहा ना गोद भराई का, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अपने बीवी की गोद भराई मैं खुद कर सकता हूं। एक ही परिवार है और खुशी का मौका है, आपस में क्या तेरा मेरा? और अपनों का किया एहसान नहीं प्यार होता है। मम्मी एक बार मैं इसे प्यार समझ लूं पर सामने वाला तो इसे एहसान ही समझेगा, और मैंने आज तक मेरे ससुर का एहसान नहीं लिया
तो किसी का एहसान क्यों लूंगा मैं? माया, माया, क्या हुआ रोहित? तुम कह रही थी ना कि तुम्हें गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तो बस तुम्हें जो डेकोरेशन चाहिए, जैसा चाहिए, सब मंगवा लो। जितनी भी महंगी चीजें चाहिए तुम्हें, सब मंगवा लो। पेमेंट मैं ही करूंगा। जितनी भी महंगी चीजें चाहिए तुम्हें, सब मंगवा लो। पेमेंट मैं ही करूंगा। ओके। इसे क्या हुआ अचानक से? अच्छा ही है। ये रोहित भैया इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? रिया जी, पानी चाहिए था। हाँ, लीजिए। अब जीजा जी सुनिए ना, आपकी मदद चाहिए। क्या? आप चलेंगे मेरे साथ? प्लीज जीजा जी आइए ना। चल आई। ये है बेहोशी की दवाई, इसे कैसे भी करके श्रेया को सुंघा दीजिए। एक बार वो बेहोश हो जाएगी, उसके बाद किडनैप का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब इसके बाद वो श्रेया का बच्चा हमारा हो जाएगा और हम पर पैसों की बारिश हो जाएगी। पैसा 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 पैसा। आ, 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 सपने देखना बंद कीजिए, पहले काम पे लग जाइए, ठीक है? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देख ऐसे चुटकी बजा के मैं ये काम करती हूँ। तुझे क्या पता, तुझे तो अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है मेरी गुरु माँ, मैं सीख लूंगा आपसे, लेकिन अभी फिलहाल ये लीजिए और काम पे लग जाइए। समझो काम हो गया, अभी देख मेरा चमत्कार। आ जाओ, गद्दा यहीं पे रख दो। अच्छा बाहर और जो सामान है वो भी लेकर आ जाओ, ठीक है? दीदी एक बार चेक कर लो सब कुछ है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, सब सिस्टमैटिक है। सुबह से 4 बार पूछ चुके हैं और 8 बार मुझे बता चुके हैं। अरे सब ठीक है, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन नहीं दी, बस श्रेया को सब पसंद आ जाए। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा, सब कुछ इतने दिल से जो किया है तूने। हाँ अरे पापा देखिए, मैं पंडित जी को ना एक बार कॉल करके रिमाइंड करा देता हूँ ताकि वो टाइम पे आ जाएं। श्रेया जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर भैया के पीछे। मुझे लगता है वो फिर से कुछ उल्टा सीधा करने वाले, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। हैं? फिर से कोई नया स्कैम कर रहा है? ये साले सब नया स्कैम करने में लगा रहता, अब क्या करेगा? चलो चलो जल्दी। कितना कुछ बदल गया है माँ, वैभव और रोहित की चिंता में आपको कितना परेशान किया है ना माँ, कि बताने अपने जीवन में क्या करेंगे। अपने पापा के डांट खाते रहते थे दोनों, और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे, यकीन नहीं हो रहा है। वैभव मेरा सबसे छोटा बच्चा मम्मी मम्मी करके मेरे आसपास घूमता रहता था, आज खुद पापा बनने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी। अब बस आशीर्वाद दीजिए माँ कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे, पिता होने का हर सुख दोनों को मिले। विधि के विधान से तुम अनजान हो सविता, और इस फैसले के बीच मैं भी नहीं आ सकती।
माँ आशीर्वाद दिए बिना ही चली गई। ये किसी बड़े अनहोनी का संकेत तो नहीं? शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।